की जो पत्रकार वार्ता रखी गई है अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके लिए अयोध्या से पूज के जो अक्षत आयु हुए हैं उनके वितरण करने के संबंध में रखी गई है। इसके लिए 17 तारीख को दिन रविवार को राधाकृष्ण मंदिर से जो अक्षत पूज के आए हैं उसकी कलश यात्रा निकलेगी और बड़े हनुमान जी के मंदिर पर जाकर समापन होगा। इस वार्ता का उद्देश्य जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि आगामी 22 जनवरी 2024 को अपने भगवान श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा समारोह बड़ी धूमधाम के साथ भव्य और दिव्य मंदिर में मनाया जा रहा है। ये हम सब के लिए दिवाली जैसे सौभाग्य की बात है क्योंकि इसमें भगवान राम अपने मूल स्थान पर अपने मूल स्थान को प्राप्त करेंगे। इस भव्य और दिव्य मंदिर को बनाने में बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा और काफ़ी लोगों की लाखों लोगों की प्राणों की आहुति देनी पड़ी, इसलिए हम सब के लिए शुभ अवसर है और इस मंदिर को बनाने में संपूर्ण समाज का समर्पण लगा हुआ है और इस समर्पण को इकट्ठा करने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने काफ़ी बड़ी और काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जिम्मेदारी बनती है कि इस सूचना को, प्राण प्रतिष्ठा की सूचना को जन जन तक पहुंचाए। इस उद्देश्य से संगठन 17 दिसंबर को एक भव्य कलश यात्रा जो कि राधा कृष्ण मंदिर इमामबाड़ा से चालू होगी और बड़े हनुमान जी पर समाप्त होगी। इसके बाद 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक घर घर जाकर संपर्क अभियान चलेगा जिसमें पूजित अक्षत और निमंत्रण पत्र प्रत्येक घर में दिया जाएगा अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा और उनसे आग्रह किया जाएगा, निवेदन किया जाएगा कि वे सभी अपने बंद समाज के सभी बंद अयोध्या जाएं और भगवान राम के दर्शन करें और भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करें।